साडे चैनल ते होर नवीआं ते ताज़ा न्यूज़ देखण लई साडे सच ते पैरा टीवी चैनल नूं सबसक्राइब करो अते इस दे नाल ही दित्ते गए बैल आइकन नूं दबाओ। धन्नवाद। चंबो चो ड्रेन दा बण टुटण नाल पिंड दुगाल दे किसानां दी सैकड़े एकड़ फसल पाणी विच डुब गई। पिछले कई दिनों तो पै रही भारी बरसात कारण बरसाती पानी की निकासी लई बनाई गई चंबो चो ड्रेन विच पिंड चुनागरा सड़क ते बने पुल दे नीचे बूटी फस जाण कारण पानी की रुकावट कारण ड्रेन विच पानी दे दबाव वध जाण कारण रात दे समय ड्रेन दे बण टुट जाण कारण सैकड़े एकड़ पक के तैयार हो चुकी जीरी फसल पानी विच डुब गई, जिस कारण किसानां दा काफी नुकसान होण दा अंदाज़ा है। इस समस्या संबंधी हलका विधायक अते प्रशासन दे ध्यान विच लियाउण दे बावजूद कोई प्रशासनिक अधिकारी किसानां दी सार लैण नहीं आया, जिस कारण किसानां नूं अपने पद्धर ते बन बनना शुरू कर दिता तां जो पानी विच डुब्बी फसल नूं बचाया जा सके। किसानां ने सरकार तों मांग कीती कि उन्हां दी फसल दूसरी बार खराब हो गई है, जिस दी भरपाई कीती जावे अते ड्रेन दा पक्के तौर ते प्रबंध कीता जावे। पातला तों सतपाल गर्ग दी रिपोर्ट। मैं साबका सरपंच कुलदीप सिंह जौनपुर तो जी। की समस्या जी बन दी हैगी? बन दी समस्या जी साढ़े जी हर साल ही होंगी जी, साड़ी पहला भी झोना मर गया जी, हूँ दोबारे फिर लाए दोबारे फिर मर गया जी। की होया रात? की होया राती बन टुट गया जी। पानी कितों आया? पानी बरसात का पानी पिछले कई पिंड आता जी चंबो चो जी ड्रेन ची। की प्रबंध नहीं किया? कोई प्रबंध नहीं जी। बन भी अभी अपना पिछले साल बनवाया जी तो वो बन टुट गया ऐतक जी, साडा नुकसान हो गया जी, दो बार हो गया ऐतक जी। पानी रुके कितने बूटी बाटी फसी कितने लगता है? हाँ प्यो चनगरे वाले पुल बूटी फस गई जी, वो अभी अपना अपनी जेसीबी मशीन ला के अपने खर्चे दे जी, वो अभी अपना भी बूटी कटाइए तो वह कोई सानू फर्क नहीं पाया जी। कि एकड़ पानी पड़े? एक घट्टो भी 250 किलो के गेड़ च पानी फिर गया जी। चंबो ड्रेन बजद जी, इस बरसाती पानी वास्ते ड्रेन बनी थी जी, ये हूँ बहुत ज्यादा पिंड सीवरेज का पानी गंदा पाता जी, तो यह जी हूँ मतलब बहुत ज्यादा साड़ा नुकसान पहले भी जी मर गई हड़ी हूँ दोबारे फिर मर गई जी। एक घट्टो घट्ट भी 250 किलो के गेड़ च नुकसान होया जी। नुकसान साड़ा बन टुट गया जी, बन अभी आप अपना प्राइवेट तौर पर बनाया ही तो वह भी बन टुट गया जी, वो बन सू किया जाए बन प्रबंध जी। बाकी बोर का साढ़े जी कई मतलब 10-12 बोर ने जी, मोटर ने जी साढ़े, उन्होंने बोर जो भी पानी पै गया साढ़े बोर भी खत्म हो गए जी। दोबारा पहला भी नुकसान हो गया? पहला भी नुकसान हो गया, हूँ फिर हो गया जी। दगाल जौनपुरा इस समय आप खड़े जी, बन टुटिया सानू सामने नजर आ रहा जी। ये पिछों पटियाला नाभा समाणा सारे पिंडां दा सीवरेज का पानी बरसाती पानी खेतों का पिछों पानी का जिहड़ा आना आना जिहड़ा उपरले खेतों का आना तो उरे आके ये पानी अगे मतलब कि टाप लग जाती अगे घग्गर चढ़ जाता जी। तो यह असी प्राइवेट बन्न मारिया होया सी, लखां रुपये ला के साडी पहला फसल सी वह भी नुकसान हो गया, दोबारों फिर लाई सी वह थोड़े सामने मरी हुई है जी। ये बिल्कुल जिमीदार मरन वाला हाल होया पाया, तो इसनों देखो जी सरकार कोई ये वाल ध्यान नहीं दे रही, कोई बिल्कुल हथ खड़े नहीं जिमीदार। मुआवजे की मंग करते हैं जी, बन की मंग करते हैं, तो यह मतलब कि डूंगा किया जाए इनू हाँ पक्के तौर पर कोई मसला हल हो जी, तो यही मंग करते हैं इस साल करते हैं सरकार तो, आए साल का ही साडा काम नुकसान, आए साल का नुकसान होता जी। नाम बलवीर सिंह है जी, साडी जमीन दगाल खुरद से दगाल कलां की है, तो इतने पातना पिंड की भी जमीन पैंदी है, ये चंबो चो लंघदा जी नेड़ों की जिहड़ा आंदा इहदे विच ना, पहला तो यह मतलब मार घट करता सी, हुण काफ़ी पिंडां दा सीवरेज का पानी इहदे विच पाया गया, ये थोड़ी बारिश के नाल भी भयानक रूप धारण कर लैंदा है, इन्ना भयानक रूप धारण करता भी थोड़ी बारिश के होंदे भी साडी दूजी बारी फसल मारी गई है, तो बहुत ज़्यादा फसल का नुकसान होया। हुण साडी पक्की हुई फसल दाने के उत्ते आई, एक दो दिनों के वाढ़ी करनी सी, वाढ़ी का टाइम सीगा, हुण इहदी भेट चढ़ गई जी, बिल्कुल खत्म हो गई, तो किसानां दे विच बहुत निराश है, कोई मतलब अधिकारी जां प्रशासन वालों कोई इत्थे साडे कोल पहुंचे नहीं, रात का ये जिहड़ा मतलब बन्न दे उत्ते नक्का टुटा रात का टुटा होया। असीं मंग करदे हां जी सरकार तों वी जिहड़ा किसानां दा नुकसान होया इहदा मुआवजा दित्ता जावे, जिहड़ा हर साल का नुकसान हुंदा इहदा पक्का इलाज कीता जावे, जिहड़े मतलब पिंडां दा सीवरेज का पानी इहदे विच बरसाती नाले विच पै नहीं सकदा वह बंद किया जाए, हरेक पिंड दा बरसाती नाले दे विच 15-15 किलोमीटर तो समाण एरिया की पाइपलाइनां लोगों ने दब के इहदे विच लिया के सुट्टिया हुई ने, यह बनया सिर्फ बरसात वास्ते होया जी, बरसाती पानी वास्ते, हुण पिंडां दा पानी इहदे विच चली जांदा हर वेले, हर वेले इह भरिया रहिंदा,
ਨਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੇਲੇ ਭਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਵੇਲਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਨ ਉੱਟ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜੌਨਪੁਰੇ ਦੇ ਅਰਦਗਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਨ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਨ ਸੀ ਇਹ? ਬੰਨ ਆਪਣਾ ਪਾਤਰਾਂ ਤੇ ਦਗਾਲ ਦੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਨਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਨ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬੰਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ 200-250 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੁਬਾਰੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੰਗਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਬੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੜ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਡੀ ਹੈ ਨੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।